नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है RRB NTPC के ऊपर। आपको किस बोर्ड से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आप अच्छी कंपटीशन वाले हैं, तो आपको हाई जोन में जाना चाहिए या फिर लो जोन में जाना चाहिए। देखिए, लो जोन में जाने से क्या बेनिफिट है और हाई जोन में जाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सब पॉइंटों पे दोस्तों वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। देखिए, आपको RRB NTPC के अंदर 11,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए इस बार 2024 के अंदर मिली हुई है दोस्तों। 14 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, जिसमें ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल की और 12वीं तक की पोस्ट हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो 8,000 प्लस पोस्ट हैं। वहीं अगर मैं इंटर लेवल की बात करूं तो इंटर लेवल पर जो पोस्ट हैं वो कम है, 3,000 के समथिंग में पोस्ट हैं। क्योंकि दोस्तों आरआरबी ने और भी वैकेंसी निकाली हुई है इससे पहले, जैसे ALP और टेक्नीशियन 12वीं लेवल और ITI लेवल से होता है, वहाँ भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी और ALP में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए, ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल गई है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि किन बोर्डों की कट ऑफ सबसे हाई जाती है और उन बोर्डों में फॉर्म अप्लाई करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, किन किन परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखिए, अगर दोस्तों पोस्टों की बात करी जाए देखिए NTPC, इसमें आपको कुछ सेफ्टी की पोस्ट हैं और कुछ नॉन सेफ्टी की पोस्ट हैं। सेफ्टी का मतलब आपको ऐसी ड्यूटी जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, और नॉन सेफ्टी आपको रनिंग स्टाफ में नहीं रहना है, आपको सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी, अगर स्टेशन मास्टर की बात करी जाए तो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ये दोनों पोस्ट रनिंग। देखिए, स्टेशन मास्टर बहुत सेफ्टी की पोस्ट है, आपको अपनी ड्यूटी बहुत सावधानी पूर्वक करनी है, सेफ्टी की पोस्ट है। और 963 पोस्ट है, बहुत कम वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की इस बार। और अगर कट ऑफ बनती है लेवल 6 की, अगर कट ऑफ लेवल 6 की बनती है और 2019 की तरह रहता है, तो CA की कट ऑफ सबसे ऊपर गई थी, जब रिजल्ट रिवाइज हुआ था तब जाकर कट ऑफ ठीक हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार कट ऑफ स्टेशन मास्टर की देखने के लिए मिली है, अगर मिलेगी, अगर अलग कट ऑफ बनती है लेवल 6 में। और एक है आपका गुड्स गार्ड मैनेजर लेवल 5 की जॉब है, ये 2684 पोस्ट हैं, ठीक ठाक पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्टेशन मास्टर के मुकाबले आपकी 3 गुना वैकेंसी गुड्स गार्ड की है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 1737 लेवल 6 की पोस्ट है, CA, पिछली बार CA की पोस्ट थी लेकिन इस बार चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर है, लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत अच्छी और शानदार पोस्ट है। इसके बारे में दोस्तों मैं एक आपको बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसका प्रमोशन होता है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कहां कहां इन्हें ड्यूटी देनी पड़ती है, और ये पोस्ट लेने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये लेवल 6 की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 725 इसकी हैं, 1371। अब देखिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 725 वैकेंसी हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसकी हैं 725, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है, आप एक बार देख लेना बढ़िया तरीके से। गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है 2684 है, और SM स्टेशन मास्टर की 963, और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है 1737, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है 1371, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 725। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अच्छी पोस्ट मानी जाती है, अगर JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टिंग हो जाती है DRM ऑफिस में, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल होने वाली है। DRM ऑफिस के अंदर तो आप चाहे कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, आपको 2 दिन का तो
छुट्टी मिलती मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बहुत बढ़िया और शानदार जॉब रहने वाली है अगर आपकी पोस्टिंग DRM ऑफिस में होती है तो। ठीक है, देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी में है, ये भी 361 है। देखिए कॉमन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क नॉन सेफ्टी में 1985 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी है 990, ये पोस्टें हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अंडर ग्रेजुएट लेवल और ये ग्रेजुएट लेवल, ये 12वीं से हैं दोस्तों, 3404 पोस्ट और ये ग्रेजुएशन लेवल से हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 7479 वैकेंसी। देखिए दोस्तों अगर आपको अपने घर के पास जो जॉब चाहिए तो आप जिस रीजन में हैं, जैसे आप मान लीजिए इलाहाबाद रीजन में पढ़ते हैं, आपका जो होम टाउन है वो इलाहाबाद रीजन में है, तो आप ये देखिए कि क्या आप इतनी कंपटीशन बीट कर सकते हैं कि आप इलाहाबाद के अंदर नंबर ला सकते हैं, तो आप इलाहाबाद चूज कीजिए या फिर आप चंडीगढ़ चूज कीजिए अगर आप NR के रहने वाले हैं तो। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो आप इन बोर्डों को चूज कीजिए, क्योंकि ये ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो आपके होम टाउन में मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ ना अप्लाई करना चाहते तो आप म्यूचुअल बेस पे और बहुत सारे स्पाउस बेस पर और ट्रांसफ़र कराकर दोस्तों आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रांसफ़र कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाती है, आपको आसानी से म्यूचुअल नहीं मिल पाता है। वैसे NTPC की अगर बात की जाए तो NTPC में आसानी से म्यूचुअल मिल जाता है, छोटी पोस्टों में म्यूचुअल मिलने में और ढूंढने में बहुत परेशानी पड़ती है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल का फंदा क्यों किया जाए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है या आप अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं तो आप जिस जोन के रहने वाले हैं उसी जोन में अप्लाई कीजिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वैकेंसी पर जरूर निगाह कर लीजिए कि वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वैकेंसी डिपेंड करेगी कि कट ऑफ कितनी रहेगी। दूसरी बात जोन भी डिपेंड करेगा जोन, क्योंकि जो अगर बात करी जाए तो NR के अंदर चंडीगढ़ इलाहाबाद, इलाहाबाद नंबर एक चंडीगढ़, इनकी जो कट ऑफ है वो सबसे हाई आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि इलाहाबाद के अंदर कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है इस बार। देखिए सेंट्रल जोन में बिलासपुर मुंबई ये दो आते हैं, सेंट्रल में बिलासपुर और मुंबई। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट पोस्ट में देखिए गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी है 48 है, ओनली 48 है बिलासपुर में। वहीं मुंबई में बात कर लेते हैं तो 151 वैकेंसी हैं। देखिए सेंट्रल में बिलासपुर में 48 वैकेंसी है और मुंबई में 151 वैकेंसी, जी, गुड्स गार्ड की। ठीक है, अगर आप बिलासपुर ना चुनकर GG भी जा सकते हैं, ठीक है मुंबई भी जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई में 151 वैकेंसी है गुड्स गार्ड में, अगर आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं तो बिलासपुर भी देख सकते हैं आप। इसके बाद में स्टेशन मास्टर की पोस्ट कितनी है, 50 और 185, ठीक ठाक पोस्ट है। SM की जो पोस्ट है, देखिए SM की जो पोस्ट है वो कितनी है अभी, 50 है और दूसरा 185 है, ये भी ठीक ठाक है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 80 पोस्ट है बिलासपुर में। देखिए अगर आप ये वाली पोस्ट लेनी है आपको, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो आप बिलासपुर को पहले नंबर पर रखिए। अगर आपको यही पोस्ट चाहिए लेवल 6 की, अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो आप बिलासपुर को नंबर 1 पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 पोस्ट देखने के लिए मिली है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट है। आप पोस्टों की संख्या देखकर इस चीज़ का चुनाव कीजिए कि आपको कौन सा बोर्ड अप्लाई करना है और कौन सा बोर्ड अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो पोस्ट लेनी है जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, वो बंदे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि आपको जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट एक बार देख लें कि उस बोर्ड में वो पोस्ट है या नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ ईस्टर्न, इलाहाबाद में देख लेते हैं। देखिए इलाहाबाद में ग्रेजुएशन लेवल पे देख लेते हैं। इलाहाबाद के अंदर गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है वो कितनी है, 102। कितनी है भाई, 102 गुड्स गार्ड की पोस्ट इलाहाबाद में, 102 है इलाहाबाद में, 102 इलाहाबाद में, 102 है गुड्स गार्ड की पोस्ट। ठीक है, स्टेशन मास्टर की कोई पोस्ट नहीं है इलाहाबाद में। अगर आप SM बनना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद ना भरें, ना तो आप इलाहाबाद चूज करें और ना ही आप गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेशन मास्टर की कोई भी पोस्ट दोस्तों देखने के लिए नहीं है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पर 74 और 59। देखिए
ये भी लेवल सिक्स की पोस्ट है, यहाँ पर 74 और 59 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ देखनी है। एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले वैकेंसी की संख्या को देखें, आप जिस पोस्ट को पाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, क्या उस बोर्ड में वो वैकेंसी है या नहीं है, अगर है तो कितनी है और कितनी नहीं है, इन चीज़ों का चुनाव अच्छी तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, अब चंडीगढ़ में देख लेते हैं एक बार। नॉर्थन में देखिए, चंडीगढ़ जम्मू ये दो आते हैं नॉर्थन में। चंडीगढ़ में देखिए ग्रेजुएशन लेवल बता देता हूँ मैं अभी ओनली, जीजी की पोस्ट 69 है, ठीक है, और जम्मू में 60 है। यहाँ पर चीफ कमर्शियल टिकट कम क्लर्क, ये सुपरवाइजर, ये 61 और 44 है। देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 189 है, ठीक है, सीनियर क्लर्क 60 है। बहुत एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से देखें कि किस में कितनी वैकेंसी है और किस में कितनी वैकेंसी नहीं है। मुंबई में देख लेते हैं एक बार। देखिए मुंबई, मुंबई भी दो आता है, ठीक है, साउथर्न, साउथ सेंट्रल। आप एक एक चीज़ को दोस्तों बढ़िया तरीके से देखें कि किस में कितनी पोस्टें हैं और किस में कितनी पोस्टें नहीं हैं। देखिए अब मैं इंटर लेवल पे पोस्ट देख लेता हूँ कि इंटर लेवल पे कितनी थी। बिलासपुर में थी ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 76, मुंबई में थी 372, तो अच्छी पोस्टें हैं। इलाहाबाद में 328 और गोरखपुर में 107। तो दोस्तों बस मेरा आपको एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करें, बारीकी से अध्ययन करें कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। आप बनना चाहते हैं स्टेशन मास्टर, और स्टेशन मास्टर की पोस्ट इलाहाबाद बोर्ड के अंदर है ही नहीं, गोरखपुर बोर्ड के अंदर नहीं है, तो ये चीज़ आपको बाद में पछताने का कारण बन सकता है। तो अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करें, रिक्तियों की संख्या को, वैकेंसियों की संख्या को अच्छी तरीके से देखें, और आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आप किस पोस्ट के लिए फाइट करना चाहते हैं, उस बोर्ड का चयन करें। और ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि मैं अगर बहुत ज़्यादा दूरी मिलती है मुझे और वैकेंसियों की संख्या थोड़ा वो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए भाई अगर आपको इलाहाबाद लेना है और आपको मुंबई जाना है, वैकेंसियों की संख्या 3-4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो आप मुंबई ना चुन के इलाहाबाद चुनें। बाकी आपकी तैयारी के ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं, सब कुछ खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतनी वैकेंसियों में नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको ऐसे ऐसे बोर्ड भी बताऊंगा जहां पर कट ऑफ बहुत कम जाती है। देखिए हाई कट ऑफ वाले जो बोर्ड हैं वो आपके रहते हैं इलाहाबाद। देखिए हाई कट ऑफ वाले बता देता हूं मैं, इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, ये बोर्ड आपको हाई कट ऑफ मिलेंगे। देखिए तीन तो आपको बिल्कुल हाई मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद में अजमेर बोर्ड की कट ऑफ भी आपको ठीक ठाक मिलती है, अजमेर, अहमदाबाद, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। अजमेर अहमदाबाद ये जो कट ऑफ आपको मिलेगी बहुत अच्छी खासी कट ऑफ दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। तो आप चयन कीजिए अपनी वैकेंसियों की संख्या को देखकर जिस पोस्ट को आप पाना चाहते हैं। बाकी मैं आपको ऐसे बोर्ड बताऊंगा जहां पर कट ऑफ आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।